Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the online lecture series of environmental science. Dear students, हम डिस्कस कर रहे थे इकोसिस्टम के बारे में. आपने प्रीवियस लेक्चर अगर अगर अटेंड किए हों, आपने देखा स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हों तो आपको आसानी से समझ आएगा, नहीं तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जाना पड़ेगा एक बार. तो आज का जो टॉपिक हमारा है उसको हम इकोलॉजिकल पायरामिड या एल्टोनियन पायरामिड कहते हैं, बिकॉज चार्ल्स एल्टन ने इसे इस कॉन्सेप्ट को दिया था, इसलिए इसका नाम एल्टोनियन पायरामिड कहते हैं या इकोलॉजिकल पायरामिड कहते हैं. देखते हैं भाई इकोलॉजिकल पायरामिड्स होते क्या है. इकोलॉजिकल पायरामिड का मतलब है, आप लोगों ने ट्रॉफिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, ट्रॉफिक लेवल आप लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्चुलाइज किया हुआ है. इकोलॉजिकल पायरामिड की अगर बात करते हैं, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को. आपका प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, किस लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, कितना अमाउंट ऑफ बायोमास है और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारा इकोलॉजिकल और एल्टोनियन पायरामिड. सिंपली अगर मैं कहना चाहूं अगर इस इकोलॉजिकल पायरामिड को, तो वो हम कहते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बायोमास प्रेजेंट और अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट ए यूनिट ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल यूनिट एरिया. मतलब कहने का ग्राफिक इकोलॉजिकल पायरामिड और एल्टोनियन पायरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोमास प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए यूनिट ऑफ टाइम इन ए यूनिट ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ टाइम इन ए यूनिट एरिया इज सिंपली नोन एज इकोलॉजिकल पायरामिड्स. भाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को, बायोमास को और एनर्जी को रिप्रेजेंट करना ईच ट्रॉफिक लेवल में, उसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हमने कहा इकोलॉजिकल पायरामिड या एल्टोनियन पायरामिड्स. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैटेगराइज दिस इकोलॉजिकल पायरामिड्स इनटू पायरामिड्स एस नंबर वन पायरामिड ऑफ नंबर वी मे हैव पायरामिड ऑफ बायोमास एंड पायरामिड ऑफ energy means we do have three different types of pyramid. This pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. How many number of organism are existing in a particular trophic level, how much amount of biomass is existing in a particular
ecosystem in a trophic level, how much amount of energy present at each particular unit of time in a particular unit area, means pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. On this basis, we do have three different types of pyramid structures. And what are these? We may have upright pyramid. We may have inverted pyramid. And we may have another type of pyramid which is having a shape of both ends tapering and middle portion is broad. Means upright pyramid may be this type, inverted pyramid may be this shape, and a pyramid which is having tapering at both the ends and middle one is broad may be of this type. Means three different types of pyramids are existing in an ecosystem. What are these? What are these sections representing actually? If we look at the structures, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? तीन अलग अलग से different sections हमने बनाए हैं. हमेशा याद रखना ये सेक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो लोवेस्ट वाला सेक्शन होता है, चाहे आपके इनवर्टेड पायरामिड हो, चाहे आपके अपराइट पायरामिड हो, या आपके मिडिल में ब्रॉड हो, बोथ एंड स्टेपरिंग अगर हो, तीनों में अगर हम देखेंगे तो जो भी लोवेस्ट बेस में होता है ये हमेशा प्रोड्यूसर होता है. प्रोड्यूसर. उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल्स होते हैं वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, या टर्शियरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं. कहने का मतलब बेस में हमेशा आपका क्या रहता है? प्रोड्यूसर रहता है, चाहे वो आपके इन्वर्टेड फॉर्म में हो, चाहे आपके अपराइट फॉर्म में हो, चाहे आपके बोर्ड एंड स्टेपरिंग हो और मिडिल वन में अगर ब्रॉड हो. कहीं भी अगर आप देखेंगे इसे क्या, इसको क्या कहते हैं, इससे हमने प्रोड्यूसर, हमारे लोवेस्ट बेस में हमेशा प्रोड्यूसर होता है और एपेक्स की तरह हमारे प्राइमरी सेकेंडरी या अकॉर्डिंगली जो भी कंज्यूमर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो हमने देखा थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, अपराइट हो सकते हैं, इन्वर्टेड हो सकते हैं और बोथ एंड स्टेपरिंग एंड मिडिल वन इज ब्रॉड वन भी हो सकता है. अब देखते हैं हम लोग कि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या होते हैं आपके पायरामिड्स. उसमें हमने सबसे पहले देखा था पायरामिड ऑफ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या होते हैं ये पायरामिड ऑफ नंबर. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह पायरामिड ऑफ नंबर इज एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ number of organism existing at each particular trophic level. एक particular trophic level में कितने number of organisms है उसको हम क्या कहते हैं? Pyramid of number कहते हैं. अब ये pyramid of number क्या हो सकते हैं भाई? Pyramid of number जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, एक upright pyramid दिखा रहा हूं, अपराइट पायरामिड, या हम इसको स्ट्रेट पायरामिड भी कहते हैं. एक और पायरामिड हो सकता है पायरामिड ऑफ नंबर में, वो क्या हो सकता है भाई? वो आपका
इन्वर्टेड हो सकता है। भैया हमेशा मैंने कहा बेस में हमेशा हम दिखाते हैं प्रोड्यूसर्स, यहां पे जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। यहां पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे भाई, आपके हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। फिर उसके बाद सक्सेसिव प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो भी होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है जी। पिरामिड ऑफ नंबर का मैंने मतलब बताया, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल इन अ यूनिट ऑफ टाइम इन अ यूनिट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इट कैन बी ए अपराइट पिरामिड एंड इट कैन बी एन इन्वर्टेड पिरामिड। अब अपराइट पिरामिड कैसे हो सकता है, हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप एक ग्रासलैंड में चले जाएंगे, ग्रासलैंड में भाई अगर हम एग्जांपल लें तो ग्रासलैंड में प्रोड्यूसर्स क्या हो सकते हैं, ग्रासलैंड में जाके देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, ग्रास होगा, उस पे फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे भाई ग्रास हॉप, उस पे फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं भाई, फॉर एग्जांपल लिजर्ड की अगर बात करते हैं, फिर उस पे फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं भाई, स्नेक हो सकते हैं, उस पे फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपके अगर हॉग्स हैं, अब खुद देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर कहा मैंने, एट ईच ट्रॉफिक लेवल में, मतलब है हर एक ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। डेफिनेटली अगर हम एक यूनिट एरिया एक स्क्वायर मीटर ही अगर हम लेके देखेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, भाई मतलब कहने का नंबर ऑफ ग्रासेस अगर हम एक यूनिट एरिया में लेंगे, एक स्क्वायर मीटर में अगर हम लेंगे, उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्रासेस देखेंगे एक यूनिट एरिया में, वो यूनिट एरिया आपका एक स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका स्टडी एरिया कितना ले रहे हैं। एक स्क्वायर मीटर में अगर हम देखेंगे भाई नंबर ऑफ ग्रासेस कितने, नंबर हम ग्रासेस देखते हैं भाई, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई 1000 नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रासेस यहां पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल। फिर हम देखेंगे भाई उस पे फीडिंग करने वाले ग्रास हूपर्स कितने हैं उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, जो हमने ऑलरेडी स्टडी पर्पस के लिए लिया है भाई, डेफिनेटली उनका नंबर इस ग्रास से क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बताते हैं भाई कितना होगा उनका नंबर, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 100 हो सकता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई। उसके बाद उस यूनिट एरिया में हम देखते हैं भाई कितने नंबर ऑफ लिजर्ड है जो उस ग्रास ऊपर पे फीड करते हैं, डेफिनेटली उनका नंबर उससे भी कम होगा, मान के चलो 50 हम बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं भाई स्नेक्स कितने हैं उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया की बात करते हैं, हार्डली हमें एक या दो स्नेक मिल सकते हैं, 1 or 2, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं भाई उस यूनिट एरिया की बात करते हैं जो स्टडी पर्पस, उसमें हम हॉग का अगर नंबर देखेंगे तो हार्डली यहां पे अगर हम 5 इसको कंसीडर करेंगे तो यहां पे हमें 1 मिल सकता है हार्डली। कहने का मतलब मेरा है अगर हम ग्रासेस की बात करते हैं उसका नंबर सबसे ज्यादा है थाउजेंड्स, मैंने कहा फॉर एग्जांपल, उसके बाद जो उसके ऊपर फीड करने ग्रासेस ऊपर उनका नंबर थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर उसके बाद आगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है उनका नंबर हमने 50 कहा फॉर एग्जांपल, उसके बाद हमने कहा भाई आगे जाके स्नेक्स की बात करते हैं 5 नंबर्स ऑफ स्नेक्स फॉर एग्जांपल हमें मिल सकते हैं, उसके बाद आगे जाके अगर हम देखेंगे तो उनका नंबर जो हॉक है उनका नंबर और भी कम हो रहा है। तो सबसे नीचे क्या है हमारे पास, ज्यादा नंबर में हमारे पास ग्रासेस है, हमारे प्रोड्यूसर से, तो इसलिए हमारा ग्रासलैंड में अगर हम जाके देखेंगे तो हमारा बेस जो बनेगा वो ब्रॉड बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहां पर सबसे ज्यादा है। उसके बाद फीडिंग करने वाले जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो रहा है, वो प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे आप देखते हैं यहां पर लिजर्ड का नंबर कम हुआ, स्नेक का नंबर कम हुआ, हॉक का नंबर कम हुआ, इसलिए हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाके देखेंगे तो हमारा जो बेस बनता है वो ब्रॉड बनता है, उसके बाद सक्सेसिवली टेपरिंग हो जाता है टूवर्ड्स द एपेक्स, टूवर्ड्स द सक्सेसिव कंज्यूमर लेवल्स में। इसलिए हमने कहा ये एक अपराइट पिरामिड है बिकॉज
अपराइट पिरामिड उनको कहते हैं जिनका बेस प्रोड्यूसर में अगर ब्रॉड होगा उनको हम अपराइट या स्ट्रेट पिरामिड कहते हैं। तो आपने अंडरस्टैंड किया इन केस ऑफ ग्रासलैंड वी हैव एन अपराइट पिरामिड बिकॉज द नंबर ऑफ ग्रासेस आर ऑलवेज लार्ज इन नंबर एज कंपेयर टू द सक्सेसिव कंज्यूमर्स फीडिंग ऑन। एक पॉन्ड इकोसिस्टम में भी अगर हम जाते हैं वहां क्या मिल सकता है, वहां पे भी हमें अपराइट मिल सकता है। भाई कैसे अपराइट मिलेगा, एक पाउंड इकोसिस्टम में चले जाओ, ठीक है जी, उसके बाद देखो भाई सबसे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स वहां पे हैं, फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन्स, उस पे फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स भाई जूप्लैंक्टन, ठीक है जी, उसके बाद स्मॉल फिश, ठीक है जी, उसके बाद लार्ज फिश। हम नंबर की बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर की हम बात कर रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक पाउंड इकोसिस्टम में। भाई इनका अगर हम देखते हैं भाई कितने नंबर है, इनका नंबर की हम बात कर रहे हैं। नंबर अगर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे किससे, इस जूप्लैंक्टन से, इस स्मॉल फिश से, इस लार्ज फिश से, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा छोटे प्लांट्स हैं, तो इनका नंबर कंपैरेटिवली इस पाउंड में जूप्लैंक्टन और स्मॉल या लार्ज फिश से नंबर इनका बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर है ये लोग, तो इनका जो बेस बनेगा वो बहुत ज्यादा ब्रॉड बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म जूप्लैंक्टन है उनका अगर हम नंबर देखेंगे, क्योंकि ये इन पे एक्चुअली फीडिंग करते हैं, जाहिर सी बात है, तो इनका नंबर कंपैरेटिवली ये इनसे बड़े भी हैं, तो इनका नंबर और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम अगर यहां पे अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा इसका बेस जो बने, थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपैरेटिवली आपके प्रोड्यूसर्स के थोड़ा सा कम है इसका विड्थ। उसके बाद स्मॉल फिश देखेंगे जो किस पे फीड कर रहे हैं, हमारे जूप्लैंक्टन पे फीड कर रहे हैं, उनका नंबर भाई और भी कम होगा, ठीक है जी। उसके बाद लार्ज फिश का नंबर हम देखेंगे, हम नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर इस पाउंड इकोसिस्टम में लार्ज फिश का देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगा, तो इसलिए हमने इसको टैपरिंग बना दिया ऊपर, ठीक है जी। तो मतलब कहने का, अगर हम एक पाउंड इकोसिस्टम में चले जाएंगे वहां पे भी अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग एट प्रोड्यूसर लेवल एट द ट्रॉफिक लेवल विच इज प्रोड्यूसर इन नेचर आर ऑलवेज लार्ज इन नंबर, ये आपका प्रोड्यूसर है इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, देन इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर जो है आपका जूप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन फीडिंग ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स आर कंपैरेटिवली लेसर इन नंबर, and in turn which feed the small fishes which feed on these zooplanktons are comparatively more lesser in number and large fish are lowest in number in case of pound ecosystem at each trophic level, that's why the pyramid of number in case of pound ecosystem is also upright or we can say straight type of pyramid। तो आपने दोनों इकोसिस्टम में देखा, ग्रासलैंड में भी देखा और पाउंड इकोसिस्टम में देखा, दोनों में हमारा जो पायरामिड बन रहा है वो हमेशा क्या बन रहा है, अपराइट पायरामिड बन रहा है। तो भाई देखते हैं क्या हमारा पायरामिड इन्वर्टेड भी हो सकता है, इन्वर्टेड पायरामिड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया पायरामिड आपके अपराइट भी होते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। आप देखते हैं भाई क्या आपके पायरामिड्स इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, भाई कैसे हो सकता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है जिसमें सबसे लोएस्ट नंबर आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर उस पर फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म उनका नंबर बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे इन्वर्टेड पायरामिड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाके, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पायरामिड ऑफ नंबर का अगर हम डिस्कस करेंगे, और फॉरेस्ट में भी हम देखते हैं पैरासाइटिक फूड चेन की अगर बात करते हैं, तो वहां पे क्या है भाई, एक सिंगल ट्री, फॉर एग्जांपल एक सिंगल ट्री का मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर, ठीक है जी,
एक ट्री है आपका यहां जो बहुत एक सिंगल ट्री ओनली अ सिंगल ट्री सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ बोर्ड्स. फॉर एग्जांपल एक सिंगल ट्री है, वन सिंगल ट्री सपोर्ट्स 10 नंबर ऑफ हर्बीवोरस बोर्ड्स विच फीडिंग ऑन द लीव्स ऑन द सीड्स ऑन द बार्क. ठीक है जी. एंड दीज बोर्ड्स इन टर्न सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट्स. फॉर एग्जांपल 100 नंबर ऑफ पैरासाइट जो उस पे फीड कर रहे हैं आपके हर्बीवोरस बर्ड्स पे, द फॉर्म ऑफ लाइस द फॉर्म ऑफ बग्स. एंड स्टिल दीज पैरासाइट्स आल्सो सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपर पैरासाइट मे बी इन थाउजेंड्स माइक्रोब्स वगैरह हो सकते हैं आपके. ठीक है. अ सिंगल ट्री विच इज प्रोड्यूसर इन नेचर इज लोएस्ट इन नंबर इन केस ऑफ पैरासाइटिक फूड चेन इन एन इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम. अ सिंगल ट्री सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ बोर्ड्स. फॉर एग्जांपल 10 नंबर ऑफ बोर्ड्स विच इन टर्न सपोर्ट्स 100 नंबर ऑफ बोर्ड 100 नंबर ऑफ पैरासाइट्स फीडिंग ऑन दीज हर्बीवोरस बोर्ड्स. एंड द पैरासाइट इन टर्न सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपर पैरासाइट इफ अ सिंगल पैरासाइट से. फॉर एग्जांपल अ सिंगल पैरासाइट इज सपोर्टिंग 10 हाइपर पैरासाइट्स. 10 × 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर अगर देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है. मान के चलो 1000 नंबर ऑफ हाइपर पैरासाइट्स मींस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. एंड वी फाइंड दैट लोएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर इज एग्जिस्टिंग. सो द पिरामिड व्हेन वी गेट फॉर्म इज ऑफ इनवर्टेड. क्यों? अ सिंगल नंबर ऑफ ट्री है भाई, उसके बाद नंबर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है. इसका मतलब हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड बनाएंगे भाई. फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट 100 हो रहा है पैरासाइट के फॉर्म में भाई, और भी थोड़ा सा बढ़ रहा है ये जो स्पेस हमारा है. उसके बाद जो हाइपर पैरासाइट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है नंबर. इन केस ऑफ नंबर हम देखते हैं प्रोड्यूसर के फॉर्म में एक सिंगल ट्री, फिर उसके बाद 10 नंबर ऑफ बर्ड्स, फिर 100 नंबर ऑफ पैरासाइट्स, 1000 नंबर ऑफ हाइपर पैरासाइट्स. मींस द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टुवर्ड्स द एपेक्स लेवल. दैट्स व्हाई द पिरामिड सो फॉर्म्ड इज इनवर्टेड इन नेचर. इट मींस इन केस ऑफ पैरासाइटिक फूड चेन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम वी गेट द पिरामिड फॉर्म्ड इज ऑलवेज इनवर्टेड इन नेचर. लेकिन उसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक और टाइप ऑफ पिरामिड बन सकता है. अगर हम जाके देखेंगे वो हमारा मान के चलो एक प्रेडेटरी फूड चेन होगा इसी इकोसिस्टम में भाई. ये हमारा पैरासाइटिक फूड चेन था. फॉरेस्ट इकोसिस्टम की ही बात करेंगे हम लोग. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रेडेटरी फूड चेन की अगर बात करते हैं, प्रेडेटरी फूड चेन भाई, प्रेडेटरी फूड चेन में क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंगल ट्री, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल ट्री सपोर्ट करता है, सिंगल ट्री हमने इसका बेस थोड़ा छोटा बनाया, इस पे फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स भाई, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया था, उनका नंबर बहुत सारे बर्ड्स को फीड करते हैं जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, उनका नंबर ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल वन ट्री, एक सिंगल ट्री है, फीडिंग करने वाले बर्ड्स का नंबर हम रखते हैं भाई 10. हर्बीवोरस बर्ड्स से याद रखना, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हर्बीवोरस बर्ड्स का हम डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन इन हर्बीवोरस में भी फीडिंग करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हॉग हो सकते हैं, ईगल वगैरह हो सकते हैं, उनका नंबर इन हर्बीवोरस के नंबर से कम होगा. फॉर एग्जांपल 10 नंबर होगा या 1 नंबर होगा. कहने का मतलब है इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड द प्रेडेटरी फूड चेन शोज बोथ एंड्स टेपरिंग and the middle one is broad in nature because a single tree can support a large number of herbivorous birds which in turn supports a lesser number of
predatory birds. That's why the pyramid so formed is tapering at both the ends and broad middle one. Broad middle one. होप आपने अंडरस्टैंड किया हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पायरामिड ऑफ बायोमास एंड पायरामिड ऑफ एनर्जी. स्टे होम, स्टे सेफ. खुदा हाफिज़.